बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद की, जहां के शाहनगर बीएमओ पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व सचिव और प्रवक्ता। और खास करके आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने पर पूरी तरीके से आमादा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव ने बीएमओ पर आरोप लगाए हैं जिसमें फर्जी पीएम रिपोर्ट दिखाकर शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया। इस मामले की लिखित शिकायत शाहनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। इसी के साथ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन शाहनगर के अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। इसके साथ 15 दिनों का अल्टीमेटम देकर बीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता अनिल तिवारी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर कथित बीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एसडीएम कार्यालय में तालाबंदी कर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। ऑफिस के बगल से हटवाने सहित तमाम मुद्दों पे ज्ञापन दिया है 14 सूत्रीय मांगों पे लेके। हमने मांग किया है कि संबंधित बीएमओ को स्वास्थ्य विभाग का जवाबदार अधिकारी हैं सम्माननीय सर्वेश लोधी जी, जो आदरणीय विधायक जी श्री प्रहलाद लोधी जी के गांव के बगल के हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि सम्माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब द्वारा कई केस निरस्त किए गए, दोषी पाया गया बीएमओ को, उसके बाद बीएमओ के खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने ये मांग किया है कि बीएमओ के खिलाफ जाँच करके FIR किया जाए। जहाँ जाँच में ज़रूरत पड़ेगी हम लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे और तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए। पन्ना जिले के बाहर जब तक जांच हो रही तत्काल हटा के, ताकि जांच में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो सके, इसलिए सम्माननीय बीएमओ साहब को तत्काल पन्ना जिले के बाहर किया। अभी अनिल तिवारी जी आए थे अपने साथियों के साथ, उन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र दिया है शाहनगर बीएमओ के खिलाफ। अपन जाँच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जांच का यार कि कोई टाइम निश्चित नहीं बता सकते हम कि कितने दिन में, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है कि जांच की, बयान लेने पड़ेंगे, सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो टाइम तो लगता है। वो आरोप सब निराधार हैं, ये अभी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या आरोप लगाए हैं, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है तो उसके बाद में आपको इसके बारे में डिटेल बता दूंगा कि वो आरोप क्यों लगाए गए हैं और क्या 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 आरोप है, ये जब मेरे पास प्रतिवेदन आता है।